हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। वेलकम है आप सबका एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। जैसा कि गाइस आप सब पीछे देख सकते हो, रखी हुई अपनी सारी इंडियन कार्स, सुजुकी की ग्रैंड विटारा, ह्यूंडई कोना, बलेनो, फॉर्च्यूनर, स्विफ्ट एंड अपनी महिंद्रा XUV700O। एंड आप सब यही सोच रहे होंगे मैं इन कार्स को यहाँ क्यों लेकर आया। तो जैसा कि गाइस आप सब फ्रैंकलिन के साइड में देख सकते हो, यह है खतरनाक स्टंट करने की जगह, या कह सकते हो अपनी इंडियन कार्स यहां पर करने वाली है एक काफी ज्यादा खतरनाक स्टंट। मैं आप सबको आगे चलकर बताता हूं भाई क्या कुछ सीन है। सबसे पहले तो हमारी कार को यहां से स्पीड में जाना, देख सकते हो भाई फ्रैंकलिन के चढ़ने में हालत खराब हो गया। यहां से स्पीड में जाकर भाई उसमें जंप करना है और वहां घूम के भाई वहां से नीचे उतरना है उस पार। और इसमें कार तो डैमेज होने वाली है बट फ्रैंकलिन के जान को भी काफी ज्यादा खतरा है। लेकिन कोई नहीं भाई, थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं क्योंकि मजा काफी ज्यादा आने वाला है। तो चलो गाइज देखते हैं कि क्या कोई भी कार इस डेंजरस स्टंट को कर पाती है पार, क्योंकि भाई ये एक तरह से इम्पॉसिबल स्टंट है। सो चलो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है एंड शुरुआत कर लेते हैं अपनी फॉर्च्यूनर से। तो लेट्स सी क्या भाई ये इस स्टंट को पूरा कर पाती है या फिर नहीं। अब आप सबको पता ही भाई हमारी तो फेवरेट कार है बट हाँ स्टंट करने में थोड़ा बहुत फेल हो जाती है। लेट्स सी ये वाली स्टंट पार कर पाती है या फिर नहीं। थोड़ा सा मैं जाऊँगा पीछे ताकि मैं स्पीड में आ सकूँ और फॉर्च्यूनर की अपनी वेट ज़्यादा इसलिए पलटने का ज़्यादा चांस है। तो चलो गाइस यहीं से हम कर लेते हैं टर्न एंड चलो भाई यहाँ से जितनी स्पीड होनी हो जाएगी। ओके तो लेट्स गो, देखते हैं भाई क्या अपनी फॉर्च्यूनर इस टेस्ट को कर पाती है पार या फिर नहीं। तो चलो गाइस ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। ओके 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 लेट्स गो। अरे 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 भाई साहब ये तो चढ़ ही नहीं ऊपर भाई, ये तो गलती सीन हो गया फॉर्च्यूनर के साथ भाई, मतलब ये तो जंप ही नहीं कर पाई। तो चलो गाइस फॉर्च्यूनर मुझे नहीं लग रहा कर पाएगी क्योंकि ये तो जंप कर कर ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो कह सकते हो आप सब फॉर्च्यूनर एक तरह से फेल हो चुकी है बट हाँ गाइस अभी भी हमें होप छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अभी भी हमारे पास कई सारी गाड़ियाँ। लेट्स सी क्या कोई भी कर पाती है या फिर नहीं, क्योंकि चांसेस तो भाई देखकर बहुत कम लग रही है क्योंकि जब फॉर्च्यूनर ही नहीं कर पाए तो भाई उन सबसे क्या ही उम्मीद करें। ओके चलो गाइज अब अपनी उस गाड़ी से स्टार्ट कर लेते हैं जो कि हमने लेटेस्ट खरीदा, यानी कि अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। लेट्स सी कि भाई ये कैसा परफॉर्म करती है। तो चलो फिर से चलते वहीं पर ताकि हम थोड़ा स्पीड कर ला सके। तो चलो भाई फटाफट से कर लेते हैं आगे से टर्न। तो थोड़ा और आगे जाते हैं एंड यहाँ सही है भाई, जितनी स्पीड होनी यहाँ से हो जाएगी। तो लेट्स गो, लेट्स सी कि भाई अपनी स्विफ्ट कर पाती है या फिर नहीं, या फिर इसका भी वही हाल होता है जो कि अपनी फॉर्च्यूनर का हुआ है। तो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके 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 भाई तो ये तो यहाँ तो नहीं फंसी लेकिन जा रही है जा रही है। बहुत अच्छे स्विफ्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे नहीं 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 भाई साहब पलट गई। लेकिन भाई ये इतने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, अरे भाई साहब इसने पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अपनी फॉर्च्यूनर से क्योंकि फॉर्च्यूनर तो भाई जंप ही नहीं कर पाए थे लेकिन ये आधा दूर तक तो एटलीस्ट गई। तो कह सकते हो आप सब स्विफ्ट अपने हिसाब से भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म की एंड फॉर्च्यूनर से तो भाई डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इसने। तो चलो गाइस अब लाते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी को एंड देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करती है। ओके तो अब लेकर चलते हैं अपनी सुजुकी की ग्रैंड विटारा को। एक सुजुकी ने तो भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लेट्स सी कि भाई ये कैसा परफॉर्म करती है। तो चलो भाई इसने तो मतलब बाकी सारे स्टंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, स्टंट या आप कह सकते हो चैलेंज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो लेट्स सी कि भाई यहाँ कैसा परफॉर्म करती है। तो ओके तो चलो भाई ये भी भाई फॉर्च्यूनर जितनी हैवी है तो इसका भी वही हाल ना हो जाए जो कि अपनी फॉर्च्यूनर का हुआ था। ओके 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 नहीं ये हाल तो नहीं हुआ, यहाँ से तो निकल गई है। चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे 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 भाई साहब ये ऑलमोस्ट करने वाले थे लेकिन ऊपर जाकर भाई पलट गई। अरे 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 भाई गया 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 भाई अपना फ्रैंकलिन, बोला ना भाई फ्रैंकलिन के जान को भी खतरा है। देख सकते हो आप सब क्या हाल हो गया, अपनी कार तो भाई चूर चूर हो गई। भाई अपनी कार ऑन भी हो गई या फिर नहीं बैठ के एक बार देख लेता हूँ। बट भाई सुजुकी ग्रैंड विटारा काफ़ी एंड तक गई थी, ऊपर जाकर पलट गई। नहीं नहीं कार चल तो रही है भाई बहुत अच्छे। तो कह सकते हो आप सब अभी तीनों कार में से सुजुकी की ग्रैंड विटारा ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो भाई मुझे नहीं लग रहा भाई कोई सी भी कार अपने इस चैलेंज को पार कर पाएगी, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट स्टंट है ये। तो देखते हैं भाई क्या कोई भी कर पाती है क्योंकि भाई एक तो हमें व्यू मिलना चाहिए भाई कैसा होता अगर पूरा कोई स्टंट कर लेता है। मुझे नहीं लगता भाई कोई सी भी कार कर पाएगी। तो चलो नेक्स्ट कार को लेकर आते हैं। ओके तो अब बारी है अपनी ट्रेंडिंग कार की, यानी कि XUV700O की। लेट्स सी कि भाई ये कर पाती है या फिर नहीं। उम्मीद तो काफ़ी ज़्यादा है, होप कि भाई उम्मीद तोड़े ना। तो चलो थोड़ा पीछे जाते ताकि हम स्पीड में आ सके एंड थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं। बस यहाँ से सही है एंड लेट्स गो भाई, देखते हैं क्या होता है, क्या XUV700O इस स्टंट को पूरा कर पाती है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक किसी भी कार ने इस स्टंट को पूरा नहीं किया XUV700O से। उम्मीद है आखिरी लेट्स सी कर पाती या फिर नहीं। भाई नहीं होगा नहीं होगा भाई, स्पीड ही देखकर समझ में आ गया। ओके तो पलटने वाली है, अब पलट गई गई भाई काम से। तो चलो गाइस XUV700O से भी जो इतनी उम्मीद थी, ओ भाई सब क्या ही हाल हो गया। पीछे देख सकते हो भाई डिक्की अपना क्या हाल हो चुका है डिक्की का। एंड अब तो भाई मैंने उम्मीद छोड़ ही दिया कि भाई कोई सी भी कार अपने इस स्टंट को कर पाए क्योंकि भाई इतनी खतरनाक कार सब नहीं कर पाए तो उन दोनों से क्या ही उम्मीद करें। तो चलो बलेनो और ह्यूंडई कोना बची, उन्हें लेकर आते हैं एंड क्या पता भाई उन दोनों से कुछ जादू हो जाए, वैसे उम्मीद तो काफी कम ही है। तो चलो देखते हैं उन दोनों में से क्या कोई चमत्कार कर पाती है या फिर नहीं।
और मुझे लग रहा है कुछ और कार्ड्स को इस लिस्ट में ऐड करना चाहिए ताकि उनके साथ भी हम ये स्टंट कर सके। एंड पहुंच चुके अपनी दोनों कार के पास, सबसे पहले लेकर चलते भाई बलेनो को, देखते क्या ये कुछ जादू कर पाती या फिर नहीं। उम्मीद तो भाई काफ़ी ज़्यादा कम ही है, तो चलो पीछे से जाके स्पीड थोड़ा कर लेते। ओ सॉरी सॉरी हुंडई कोना, बट कोई नहीं गाइस, देखते क्या ये कर पाती है या फिर नहीं। एंड यहाँ से टर्न कर लेते, तो स्पीड भाई थोड़ी अच्छी खासी है, देखते भाई क्या कुछ हो पाता है। ओके तो चलो 3, 2, 1 ओके चलो चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बलेनो। नहीं 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 नहीं, गिनना मत 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 गिनना मत। अरे नहीं 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 नहीं, ओ भाई साहब बलेनो ने इस स्टंट को कर दिया पूरा। भाई ये क्या ही हो गया भाई, जिस कार से मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने इस स्टंट को कर लिया पूरा। भाई ये बलेनो ने तो बिल्कुल जादू ही कर दिया आप सब कह सकते हैं एक तरह से। गाइज ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल स्टंट था, बट बलेनो ने भाई इस स्टंट को कर दिया है पूरा। देखते हैं भाई क्या ये हुंडई कोना भी ये जादू कर पाती है या फिर नहीं, क्योंकि भाई अगर उसने कर दिया ना तो कह सकते हो आप भाई सभी कार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो हुंडई कोना से टेस्ट मारते हैं। एंड भाई मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि बलेनो ने इस टेस्ट को कर लिया है पार। लेट्स सी कि भाई क्या हुंडई कोना भी कुछ जादू कर पाती है या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, चैलेंज कंप्लीट होने से पहले नीचे कॉमेंट कर बताना है क्या हुंडई कोना इस स्टंट को कंप्लीट कर पाएगी या फिर नहीं। तो चलो यहाँ से टर्न कर लेते हैं। ओके अरे अरे भाई कोई नहीं, आराम से पीछे करते हैं। तो चलो गाइस देखते हैं हुंडई कोना कर पाएगी या फिर नहीं। ओके 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 ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, देखते हैं भाई क्या होता है या फिर नहीं ये स्टंट पूरा, क्या हुंडई कोना कर पाती है या फिर नहीं। ओके 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 अरे भाई ये तो फिर इसका फॉर्चुनर वाला ही हाल हो गया। कोई नहीं गाइस, देख सकते हो क्या ही डिफिकल्ट स्टंट था अपनी, मतलब ऑलमोस्ट सभी कार ने, ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हो भाई, बलेनो को छोड़कर किसी भी कार ने इस स्टंट को पूरा नहीं कर पाया। और गाइज बलेनो ने कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, बट आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो गाइज वीडियो को जरूर से लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। तो गाइज मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में किसी और गेम प्ले के साथ।